इस्लामिक मेवरी वन तो हमारे पिछले वीडियो से जो सिलसिला चलता आ रहा है आ, उससे आप लोगों को ये बात पता लग गई होगी कि हम लोग पढ़ रहे हैं एस एल ए यानी कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन ठीक है और उसमें से हमारा जो चैप्टर है वो है द साइकोलॉजी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन ये जो है कैम्ब्रिज स्टडीज़ की बुक का चैप्टर है तो इसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पढ़ने जा अच्छा हम पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन मॉडल ठीक है कंपटीशन मॉडल जो है उसकी आज डिटेल में डिस्कशन होगी जो कि इस बंदे ने दिया था तो यह कैम्ब्रिज की बुक बेशक है इसमें चीज़ें अच्छे से हैं लेकिन काफ़ी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट और ना इसके अंदर चीज़ों को एमलगमेट किया हुआ था तो इसकी मैंने नोट्स बनाई हैं तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं ठीक अच्छा कंपटीशन मॉडल जो है वो इस बात को आंसर करती है कि हाउ लैंग्वेज़ आर लर्न ठीक है लैंग्वेज किस तरह से लर्न होते हैं इस बात को आंसर करती है कंपटीशन मॉडल मतलब ये कि ये इस बारे में है ठीक है यह बेट्स एंड मेक मेक विन ने दिया था 1981 में ये जो है वो एक फंक्शनल अप्रोच है ठीक है इस बारे में कि लैंग्वेज कैसे लर्न होती है इस बारे में एक फंक्शनल अप्रोच है और फिर ये जो कंपटीशन मॉडल है ये इस बात को एज्यूम करता है कि ऑल लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंसिस इन्वॉल्व मेपिंग अच्छा इसकी एग्जाम्शन ये है कि जितने भी लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंसेज होती हैं यानी कि लैंग्वेज को सीखना लैंग्वेज को समझना या फिर लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना इस तरह के जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होती है मेपिंग बिटवीन एक्सटर्नल फॉर्म एंड इंटरनल फंक्शन ठीक है एक्सटर्नल फॉर्म और इंटरनल फंक्शन के दरमिया मेपिंग होती है तो ये इस चीज़ को आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम इसको हाईलाइट करते है, चलते हैं बिटवीन एक्सटर्नल फॉर्म एंड इंटरनल फंक्शन ठीक हो गया इन दोनों के दरमियान क्या होती है मैपिंग होती है अब इस बात का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल फॉर्म और इंटरनल फंक्शन के दरमियान मैपिंग हो रही है इस बात का क्या मतलब है इस बात को हमने समझना है ठीक है क्योंकि इस बात को समझे बगैर हम इस मॉडल को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिकल आइटम इज़ रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स ऑडिट्री प्रॉपर्टीज फंक्शन बाइसेमेट्रिक प्रॉपर्टीज ठीक है जितने भी लेक्सिकल आइटम्स है ना यानी कि ऐसे आइटम्स ऐसे वर्ड्स जिनकी कोई मीनिंग है उनका एक होता है एक्सटर्नल फॉर्म एक होता है इंटरनल फंक्शन ठीक है यानी कि देखें, सपोज एक चेयर है ठीक है चेयर क्या है एक लेक्सिकल टर्म है एक वर्ड है जिसकी कोई मीनिंग है ठीक है तो इसका जो साउंड है या इसकी जो प्रोनसीशन है इसकी जो ऑडिट्री है ये इसकी फॉर्म इसके फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ठीक है जब हम चेयर सुनते हैं तो फिर जो है ना हमें पता लगता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ है जिसके फोर लेग्स हैं और जिससे इस तरह इस, इस पर बैठा जाता है इस तरह ये जो है फॉर्म को शो करता है और इसका जो सेमेंटिक रोल है यानी कि चेयर क्या है एक नाउन है यह नाउन है यह हमें किस चीज़ को देख के पता लगता है हमें इसके सेमेंटिक फॉर्म को देख के पता लगता है तो इस तरह इन चीज़ों के दरमियान मेपिंग पैदा करना जो है वो इस कॉम्पिटिशन मॉडल का बेस है ठीक है ये वो बात है जिसपे ये कंपटीशन मॉडल बेस करती है अच्छा एक और एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा अच्छा वर्ड है हमारे पास हॉर्स ठीक है हॉर्स सपोज वर्ड है अच्छा इसका फॉर्म जो है वो इसका साउंड है ठीक है जैसे पहले मैंने बताया कि साउंड जो है वो फॉर्म को शो करता है यानी कि एच ओ आर एस हॉर्स ठीक है प्रोनांसिएशन इस तरह से होगी और इसका फंक्शन जो है वो इसकी मीनिंग से पता चलता है फंक्शन क्या है अच्छा हॉर्स की मीनिंग ये है कि वो एक जानवर है ठीक है जिसके अच्छा फोर लेग्स होते हैं इस तरह तो इसके मीनिंग से हमें पता लगेगा अच्छा ये इसका फंक्शन ये है कि ये नाउन का काम करेगा या सब्जेक्ट का काम करेगा इस तरह से हम इन चीज़ों के दरमियान मैपिंग पैदा करते हैं ठीक है थीके? अगर हम इसको सेंटेंस के अंदर देखें तो हॉर्स ईट है ठीक तो इसको देख के हम लोग यहाँ पे ना हमारी मेपिंग होती है हमारा माइंड जो है वो यहाँ पे मेपिंग करता है कि हॉर्स जो है वो उसका फंक्शन ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और है जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है अगर हम इसके फॉर्म को देखें और एक और हमें कनेक्शन ये पैदा होती है कि अच्छा हॉर्स के साथ एस भी लगा हुआ है हॉर्सेस यानी कि ये प्लूरल को शो कर रहा है ठीक है इस तरह से हम लोग चीज़ों के दरम्यान मेपिंग पैदा करते हैं तो इसको कहते हैं मेपिंग बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एलेक्ट्रिकल आइटम ठीक हो गया लर्निंग सिस्टम ऑफ फॉर्म फंक्शन मेपिंग इज़ बेसिक फॉर एलवन एक्विजीशन एलवन की एक्विजिशन के लिए क्या चीज़ बेसिक है क्या चीज़ ज़्यादा लाजमी है सिस्टम ऑफ फॉर्म फंक्शन मेपिंग ठीक है फॉम ऑफ फंक्शन की मेपिंग किस तरह करनी है इस बात को समझना एलवन की एक्विजिशन का बेसिक है इन ऐसे दिस सिस्टम ऑफ मेपिंग इज़ एडजस्टेड टू द टारगेट लैंग्वेज ठीक है फिर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है जो फर्स्ट लैंग्वेज में हमारी फॉर्म फंक्शन मेपिंग हुई है वही मेपिंग जो है वो क्या होती है कि सेकेंड लैंग्वेज के अंदर भी एडजस्ट हो जाती है ठीक है फर्स्ट लैंग्वेज में जो मैपिंग हुई है वहीं सेकेंड में भी आती है और इस तरह से एडजस्ट होती है इस कंपटीशन मॉडल के मुताबिक ठीक है हो सकता है कि ये बात हमेशा सही ना हो लेकिन ये मॉडल हमें इस बात को एज्यूम करके बताता है फंक्शन इन द इनपुट आर डिटेक्टेड ठीक है क्यों यानी कि जब बंदे को इनपुट मिलता है ना वो कोई लैंग्वेज लर्न कर रहा है उसको इनपुट मिल रहा है यानी कि वो कहीं से सुन रहा है ठीक है उस लैंग्वेज में बातें सुन रहा है तो उस सुनने से यानी कि उस इनपुट से वो बंदा क्या करता है कि फंक्शंस को डिटेक्ट करता है ठीक है फंक्शंस को फाइंड करने की कोशिश करता है कि अच्छा ये बंदा मेरे से इस तरह बात कर रहा था तो उसके उसकी लैंग्वेज में ये जो वर्ड था उसका फंक्शन इस तरह का है वो ना चीज़ों को समझने लगता है जिसको हम कहते हैं कि ठीक है सी यू ई क्यू कु सॉरी को बोलते हैं ठीक है इसको तो कोज़ आर एसोसिएटेड विद फंक्शन और ये जो कूज होते हैं वो फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं क्यों का क्या का क्या मतलब है क्यों का मतलब है कोई हिंट ठीक है जिससे हमें कोई इशारा कोई सैम्बल वगैरह नहीं मिल रहा होता इस तरह से बंदे को भी जब स्पीच वो सुनता है या कोई चीज़ वो पढ़ता है पैसेज वगैरह तो उसको ये बात समझ आ रही होती है उसको ना पैसेज के अंदर से हिंट मिल रहा होता है कि अच्छा ये जो वर्ड है ये यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर करे ये वर्ब के तौर पे काम कर करे तो उसको हिंट्स मिलते हैं ठीक है उस पैसेज पैसेज से जिनको हम कहते हैं सी ओ अच्छा फिर क्यों उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं रिकॉग्नाइजिंग द क्यू स्ट्रेंथ ठीक है क्यू स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके अब क्यू स्ट्रेंथ को कैसे रिकॉग्नाइज करना है ये आप लोगों को आगे समझ आ जाएगा ठीक जिस तरह से यहाँ पे फोर सेंटेंसेस गिवन है ठीक है द का किक्स द हॉर्स द काओ किक द हॉर्सेस हिम किक्स द हॉर्स द फैंस किक्स द हॉर्स अब अगर ये चारों हमारे पास सेंटेंसेज हैं इंग्लिश में तो कोई ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश समझ आती हो या फिर नेटिव स्पीकर को हम ये चार सेंटेंसेस दिखाएं और उसे ये कहें कि इसके अंदर से सब्जेक्ट क्या है इन इन चारों सेंटेंसेस के अंदर का सब्जेक्ट क्या है तो वो हमें यहाँ से सब्जेक्ट निकाल के बता देंगे कि ये चीज़ जो है वो सब्जेक्ट है वो कैसे बता देंगे वो क्यों के ज़रिए बता देंगे ठीक है बेशक ये जो सेकेंड सेंटेंस है और ये जो लास्ट सेंटेंस है वो मतलब अनग्रामेटिकल ये कोई सेंस नहीं दे रही इसमें इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है लेकिन फिर भी इसके अंदर से हमें क्यों मिल रहा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो इनमें से कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है ठीक है जैसे यहाँ पे द काउ किक्स द हॉर्स है तो काउ जो है सब्जेक्ट हो गया इसी तरह हिम किक्स द हॉर्स हिम किक्स द हॉर्स ये तो ग्रामेटिकली अनकरेक्ट है लेकिन फिर भी हमें पता लग रहा है कि ये जो किक करने का एक्शन है वो ये कर रहा है ठीक है तो ये सब्जेक्ट है इस तरह हमें क्यों मिल रहा होता है पेसेज वगैरह से एक्विजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्म फंक्शन मैपिंग इज़ ड्रीवन बाय प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर फंक्शन इंटरप्रटेशन शुड बी चूजन इन प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर क्यू, यानी कि फॉर्म फंक्शन मैपिंग जो है वो हमारे अंदर इस बात की एक्विजिशन यानी कि फॉर्म फंक्शन के दरमियान मैपिंग पैदा करने की सलाहियत हमारे में कब आएगी जब हम ये करेंगे कि पर्टिकुलर फंक्शन इज़रप्रिटेड इंटरप्रटेड यानि कि हम लोग उस पर्टिकुलर फंक्शन को समझें इन बाई इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर क्यू ठीक है वो जो जो हमें हिंट मिल रहा है टेक्स्ट के अंदर से उस हिंट को समझते हुए उस हिंट को नज़र में रखते हुए हम ये करेंगे कि टेक्स्ट के अंदर से जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग इस तरह जब करेंगे तो हमें ये बात हमारे में होगी कि हम लोग क्या करेंगे फॉर्म फंक्शन मेपिंग को एक्वायर करेंगे यानी कि इस बात की एक्विजीशन हमारे में होगी ठीक है अब क्यों स्ट्रेंथ जो है वो कैसे डिटर्मिन करते हैं इसके लिए तीन बताए हैं मैकविनय ने ठीक है मैकवीनय ने जो तीन डिटर्मिनेंट्स बताए हैं कि वो स्ट्रेंथ को फाइन करने के लिए वो हैं टास्क फ्रीक्वेंसी कंट्रास्टिव अवेलेबिलिटी और कन्फ्लिक्टिल रिलायबिलिटी ठीक अब ये तीनों चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास कि सबसे पहली चीज़ है टास्क फ्रीक्वेंसी ठीक हो गया टास्क फ्रीक्वेंसी क्या है हाउ ऑफन फॉर्म फंक्शन मेपिंग अकर्स यानी कि हम लोग जब सुनते हैं या पढ़ते हैं या हमारी जब लैंग्वेज की लर्निंग हो रही है तो तब फॉर्म फंक्शन की मैपिंग कितनी दफ़ा हुई है ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम लोग वो जो हिंट है उसको अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं जैसे कि इंग्लिश में क्या होता है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आता है ठीक है ज़्यादातर सेंटेंसेस में यानी कि ये जो पैटर्न है ये इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंटली फॉलो होता है तो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो मैपिंग है वो लोगों को जल्दी समझ आ जाती है ठीक है यानी कि अच्छा सब्जेक्ट जो है वर्ब से कोई वर्ड है ठीक है कोई वर्ब है सेंटेंस में उससे पहले जो आ रहा है वो सेंटेंस होगा इस तरह वो क्यों फाइंड करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट सब्जेक्ट ऑलवेज अकर्स और कम्स बिफोर वर्ब ठीक हो गया सेकेंड इज कंट्रास्टिव अवेलेबिलिटी कंट्रास्टिव अवेलेबिलिटी मीन्स वेदर और नॉट क्यू हैज कंट्रास्टिव इफेक्ट वैन इट इज प्रेजेंट ठीक है वैन अव इज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस तो उसके अंदर कंट्रास्टिव इफेक्ट है कि नहीं है अब कॉन्ट्रास्टिव इफेक्ट का क्या मतलब है यानी कि कंट्रास्ट विद इन वर्ड्स ठीक है जिस तरह हम लोग सेंटेंस के अंदर नहीं यूज़ करते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक दूसरे से एग्री करने चाहिए ठीक है हम लोग ये कहते हैं तो कोई ऐसा सेंटेंस जिनके जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं कर रहा हो तो फिर उसमें जो हमें क्यों मिलेगा वो फिर उसी तरह से होगा लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एग्री कर रहे हों तो फिर हम उसमें जो है ना जाके सब्जेक्ट को फाइंड करना या फिर वर्ब को फाइंड करना इस चीज़ में हमारी आसानी पैदा होगी यानी कि हमें हिंट जो है हमें क्यों जो है वो जल्दी मिलेगा ठीक है कि वो स्ट्रेंथ जो है वो इस चीज़ की वजह से बढ़ जाएगी और इसी तरह तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट रिलायबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट रिलायबिलिटी यानी कि हाउ ऑफन द क्यू लीड्स टू करेक्ट इंटरप्रिटेशन ठीक है जब हम कोई क्यूँ हम फाइंड करते हैं किसी टेक्स्ट के अंदर से किसी हिंट को देख के हमने कहा कि ये चीज़ सब्जेक्ट है ठीक है तो वो जो हमारा क्यों है वो जो हमें हिंट मिला था वो कितनी दफ़ा करेक्ट जाहिर होता है करेक्ट साबित होता है बाद में तो जितनी ज़्यादा दफ़ा हमारा हिंट करेक्ट साबित होगा एक तरह का हिंट उतनी ही उस हिंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ठीक है सपोज़ हमने ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऐसा किया कि वर्ब से पहले जो आ रहा था उसको सब्जेक्ट कहा तो एक और सेंटेंस में भी वर्ब से पहले जो आ रहा था उसको सब्जेक्ट कहा तो इसी तरह हमने बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर वर्ब से पहले वाले को सब्जेक्ट कहा और बाद में ये रिजल्ट निकला कि वो सारा सही था ठीक है यानी कि हमारी जो इंटरपटेशन थी वो सही थी हमारी इंटरपटेशन सही है तो मतलब ये है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना जो हिंट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यानी कि वो हिंट वो अच्छा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो जो वो जो है वो सही इंटरपटेशन को हमें लीड की तरफ हमें लीड करता है ठीक है ये हो गए थ्री डिटर्मिनेट्स ऑफ क्यू स्ट्रेंथ कि कोई भी क्यू है कोई भी हिंट है उस वो कितना स्ट्रांग है उसकी स्ट्रेंथ क्या है इस बात को इन तीनों बातों के ज़रिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं ठीक है इसके अलावा ये बातें हमें इस मॉडल के अंदर मिलती हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ़ एल वन क्यू स्ट्रेंथ टू एल टू इज़ आउटकमिंग अर्ली स्टेज ऑफ एस एल ठीक है जब हम सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो उसके अंदर यह होता है कि एल वन के अंदर की जो क्यू स्ट्रेंथ है वो एल टू में आती है अर्ली स्टेज़स में ही आती है ठीक है बाद में नहीं बल्कि अर्ली स्टेज में ही आती है इसके अलावा यह होता है कि कुछ इंडिविजअल ऐसे होते हैं जो कि एल वन की क्यू स्ट्रेंथ को बिल्कुल एबेंड करते हैं बिल्कुल उसको नहीं मानते और एल के लिए ना उसके फेवर में कोई अलग सा क्यों स्ट्रेंथ वो अडोप्ट करने की कोशिश करते या फिर इस तरह या कुछ स्टूडेंट्स कुछ लर्नर्स ये करते हैं कि दे मर्ज द टू सिस्टम्स ठीक है एल वन का जो क्यों मैपिंग मैपिंग का सिस्टम है और एल टू का जो मैपिंग सिस्टम है उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ कंडीशंस आ गए लर्नर्स के तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपटीशन मॉडल जो कि हमने कैम्ब्रिज की बुक से पढ़ लिया है लेकिन मैंने आप लोगों के अलग से नोट्स भी बनाए थे तो आप यहाँ से भी पढ़ लें तो वही बात होगी लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट तरह के अल्फाज में या फिर कुछ इस तरह से बना बयान हुई भी होगी तो अगला हमारा टॉपिक है कनेक्शनिस्ट अप्रोच ये आप अगली वीडियो में पढ़ सकेंगे तब तक के लिए अला हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कीजिएगाफिज़